नमस्कार दोस्तों, मैं द्रौपदी नंदा, मम्मी सब कर सकती है, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं तीज माता की पूजा करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले यह बताना चाह रही हूँ कि तीज माता की पूजा करने के लिए हम खेत से साफ वाली मिट्टी लेकर आ गए थे और हम हाथ से शंकर भगवान और पार्वती मैया का अस्त बनाएंगे। और ये फुलहरा है, मैं ये फुलहरा इतना बना ली थी, इसके आगे का भी बनाना बताऊंगी और मैं पूरी पूजा करके बताऊंगी कि पार्वती मैया मिट्टी के शंकर भगवान बना के और पूजा करती थी और मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनाती थी और मिट्टी के बर्तन से ही पूरा घर का उनका काम होता था। तो मैं नेचुरलिटी लेकर आई हूँ और इस तीज पूजा में कुछ नया करने आई हूँ। तो पूजा तो सब करते हैं, परंतु पार्वती मैया जो मिट्टी के शंकर भगवान बनाकर पूजा करी थी, मैं उसको दिखाना चाह रही हूँ। मिट्टी बालू से बनाए भोलेनाथ पार्वती मैया देखो, मिट्टी बालू से बनाए भोलेनाथ पार्वती मैया देखो, सोमवार की पूजा करती पार्वती मैया, सोमवार की पूजा करती पार्वती मैया, और बेलपत्री चढ़ाए भोलेनाथ को देखो पार्वती मैया, बेलपत्री चढ़ाए भोलेनाथ को देखो पार्वती मैया, रेती बालू से बनाए भोलेनाथ देखो पार्वती मैया। इस प्रकार से हम शंकर भगवान की पिंडी को बना रहे हैं और यहाँ पर ये छोटी सी प्लेट है पीतल की, इसमें बनाएंगे और कांसा की थाली इसमें रखेंगे और पूजा करेंगे। ये शंकर भगवान बन गए और हम छोटी सी पार्वती मैया बनाएंगे। हमको जैसी भी मूर्ति बनाना आती है दोस्तों, तो ये नेचुरलिटी है, इसमें ये नहीं लगना चाहिए हमको कि हमसे मूर्ति बनाना नहीं आ रही है। ये तो भोलेनाथ का और पार्वती मैया के प्रति हमारा प्यार है और इस प्रकार से भोलेनाथ पार्वती को बनाते हैं, मिट्टी से ही बनाते हैं। बहुत शुभ होता है, पर आजकल क्या है, मार्केट में रेडीमेड आने लगे हैं तो लोग दिक्कत कौन करे करके खरीद लेते हैं, परंतु सही मायने में इस प्रकार से बना लेना चाहिए। ये देखिए, हमने पार्वती मैया बना लिए। ये देखिए, शंकर भगवान और पार्वती मैया दोनों बना लिए हैं। और दूसरे दिन गणेश जी का जन्म हो जाता है तो हम छोटे से गणपति भी बना रहे हैं। छोटे से गणपति हम यहाँ पर बना के बिठा देते हैं पार्वती मैया के बाजू में, गोद में, और छोटी सी लंबी सूंड बना देते हैं। जी, बन गए गणेश भगवान, ये पार्वती मैया और ये शंकर भोलेनाथ, तो ये गोदी में बैठ गए। तो ये बने हमारे शंकर भगवान, पार्वती मैया, गणेश भगवान। ये देखिए, इतने सुंदर लग रहे हैं। कलश दल के लिए हम चावल रखते हैं, तीन चार पाँच छः सात आठ, ये यहाँ पे कलश गया, इस पास यहाँ पे कलश दल और ये कलश को हम रख दिए। यहाँ की जमीन को साफ करके और हम गौरी गणेश को बिठाते हैं यहाँ पर। गौरी गणेश को बिठाने के लिए एक मिट्टी का ही हम पात्र रखते हैं, तो मिट्टी के पात्र में हम गौरी गणेश को बिठा देंगे यहाँ पर।
ये कांच की ये सुविधा है कि हमको रस्सी नहीं बांधना पड़ता और बढ़िया फटाफट इसमें हम लगा लेते हैं। ये देखिए हमारा फुलेरा भी हरियाली से दिखने लगता है। ये देखिए कितना सुंदर लगने लगा है ना, 10 मिनट में बन गया हमारा फुलेरा। शिव शंकर भोले पलक न कूले बैठे आसन माड़ के हो पूजा कर दी पार्वती। शिव शंकर भोले पलक न खोले बैठे आसन माड़ के हो पूजा कर दी पार्वती। मैंने भोले के लिए मैंने भोले के लिए जल भर लाई सफेरे भोले नाथ हो पूजा करती पार्वती। शिव शंकर भोले पलक न खोले बैठे आसन माड़ के हो पूजा करती पार्वती। मैंने भोले के लिए मैंने भोले के लिए अकोना पत्ता लाई चढ़ाए भोलेनाथ को पूजा करती पार्वती। शिव शंकर भोले पलक न खोले बैठे आसन माड़ के हो पूजा करती पार्वती। मैंने भोले के लिए मैंने भोले के लिए बेल पत्ती लाई चढ़ाए भोलेनाथ को पूजा करती पार्वती। शिव शंकर भोले पलक न खोले बैठे आसन माड़ के हो पूजा करती पार्वती। शिव शंकर भोले पलक न खोले बैठे आसन माड़ के हो पूजा करती पार्वती। मैंने भोले के लिए मैंने भोले के लिए फूल लेकर आई चढ़ाए भोलेनाथ को पूजा करती पार्वती। शिव शंकर भोले पलक न खोले बैठे आसन माड़ के हो पूजा करती पार्वती। शिव शंकर भोले पलक न खोले बैठे आसन माड़ के हो पूजा करती पार्वती। मैंने भोले के लिए मैंने भोले के लिए सिंदूर लाई चढ़ाए भोलेनाथ को पूजा करती पार्वती। मैंने भोले के लिए मैंने भोले के लिए अक्षत लेकर आई चढ़ाए भोलेनाथ को पूजा करती पार्वती। शिव शंकर भोले पलक न खोले बैठे आसन माड़ के हो पूजा करती पार्वती। मैंने भोले के लिए मैंने भोले के लिए नरियल लेकर आई चढ़ाए भोलेनाथ को हो पूजा करती पार्वती। मैंने पार्वती मैया के लिए मिट्टी के बर्तन लाई चढ़ाए भोलेनाथ को हो पूजा करती पार्वती। मैंने पार्वती मैया के लिए श्रृंगार लेकर आई चढ़ाए श्रृंगार पार्वती मैया को पूजा करती पार्वती। मैंने भोले के लिए नरियर लेकर आई चढ़ाए भोलेनाथ को पूजा करती पार्वती। शिव शंकर भोले पलक न खोले बैठे आसन माड़ के हो पूजा करती पार्वती। मैंने भोले के लिए मैंने भोले के लिए
जनेऊ लेकर आई चढ़ाए भोलेनाथ को पूजा करती पार्वती। शिव शंकर भोले पलक न खोले बैठे आसन माड़ के हो पूजा करती पार्वती। मैंने माता के लिए चुनरी लेकर आई ओढ़ाए चुनरी माता को हो पूजा करती पार्वती। मैंने भोले के लिए धूप बत्ती लेकर लगाए भोलेनाथ को पूजा करती पार्वती। मैंने भोले के लिए धूप बत्ती लाई लगाए भोलेनाथ को पूजा करती पार्वती। भोले के लिए मैंने भोले के लिए लड्डू लेकर आई खाए भोलेनाथ हो पूजा करती पार्वती। शिव शंकर भोले पलक न खोले बैठे आसन माड़ के हो पूजा करती पार्वती। मैंने भोले के लिए फल ले करके आई खाए भोलेनाथ हो पूजा करती पार्वती। शिव शंकर भोले पलक न खोले बैठे आसन माड़ के हो पूजा करती पार्वती। मैंने भोले के लिए वस्त्र लेकर आई पहने भोलेनाथ हो पूजा करती पार्वती। शिव शंकर भोले पलक न खोले बैठे आसन माड़ के हो पूजा करती पार्वती। शिव शंकर भोले पलक न खोले बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती मैया की जय। शंकर भगवान और पार्वती मैया की पूजा हो गई है। रात के 12 बजे हैं और अब गणेश जी का सोहा गीत गाते हैं दोस्तों। शिव के ललना को झुलना झुलाए गोरा रानी। अरे ललना को झुलना झुलाए मेरी माँ। शिव के ललना। अब गुलाब के फूलों से गणेश भगवान जी के स्वागत हो रहे हैं क्योंकि छोटे से बच्चे हैं ये हरी हरी घास में और फूलों से ही खेलते हैं। अरे शिव के ललना को झोलना झोलाए गोरा रानी। ललना को झोलना झोलाए मेरी माँ। ललना के पैरों पैजनिया सोहे। ललना के पैरों पैजनिया सोहे। अरे हाथों से हाँ हाँ हाथों से लड्डू खिलाए गोरा रानी। ललना को झुलना झुलाए मेरी माँ। यहाँ पर हम शॉर्ट के लड्डू भी चढ़ाए हैं दोस्तों क्योंकि शिव भगवान की ललना का जन्म हुआ है। अरे ललना के कमारे कर धुनिया सोहे। ललना के कमारे कर धुनिया सोहे। अरे हाथों में बाजू बंद पहनाए गोरा रानी। ललना को झुलना झुलाए मेरी माँ। शिव के ललना को झुलना झुलाए गोरा रानी। ललना को झुलना झुलाए मेरी माँ। शिव के ललना। नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा और छोटी सी बेल आइकन रहती उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। लो शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय।
बोलो शंकर भगवान की जय।